है hey दोस्तों वेलकम टू वाईफाई क्लासेस मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए सी के मैथ्स क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और सी एच एस एल के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैथ्स के है ना जो कि गलत नहीं होने चाहिए तो ध्यान से देखना भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से यूज़ करना देखो भाई इस तरीके के डब्बे वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एक क्वेश्चन आता ही है पच्चीस क्वेश्चन में से तो कैसे करेंगे इसको इसमें आपको प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब करना पड़ता है और खेल हो जाता है देखो इस तरीके का अभी देख रहे हो आप कि भैया ये बड़ी बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है तो इसमें कुछ करना पड़ेगा अपने को तो आप सबसे पहले क्या करो इक्कीस और छप्पन को ऐड करो तो क्या करोगे छः और एक सात पाँच और दो सात है ना और नीचे आ रहा है ग्यारह तो ग्यारह कैसे लाएंगे सेवन से डिवाइड कर दो तो सेवन एलेवन जै सेवन आ गया ग्यारह इसी तरीके से सेकंड वाला देखो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा सेवेंटी सेवन को ट्वेंटी एट से करो तो आठ सात पंद्रह एक कैरी और सात और दो नौ नौ और एक दस इसको फिर से सात से डिवाइड करो भाई तो सेवन वन जे सेवन तीन बचे सेवन फाइव जे थर्टी फाइव तो आंसर आ गया दोस्तों पंद्रह इस तरीके से आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा और बहुत ईजी है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा और अगर आपको क्लियर करना है तो क्या करोगे कि भैया सही बात है कि नहीं सिक्सटी थ्री को थर्टी फाइव से जोड़ो तो भैया पाँच और तीन आठ है ना और छः और तीन नौ इसको भी साथ से डिवाइड करो तो क्या करोगे सेवन वन जी सेवन टू कैरी सेवन फोर जीरो ट्वेंटी एट आ गया फोर्टीन मतलब आपका लॉजिक बिल्कुल सही था आंसर इसका पंद्रह आएगा मैं दोस्तों आपको इस वीडियो की हेल्प से ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं गलत मत करना आप आपके दो नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे है ना अगर लगता है कि भैया हमको डब्बे वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो मुझे बोलिए कमेंट बॉक्स में मैं खूब सारे वीडियो मत बना दूंगा इस पर वेस्ड ठीक है पच्चीस तीस बना दूंगा डब्बे वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ओके और क्या है भाई देखो एक ये क्वेश्चन आता है बड़ा सिंपल सा बड़ा प्यारा सा है इसमें पहले ध्यान से देखो कि ए प्लस बी की वैल्यू माइनस बन दी है मतलब ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे अपन जिसमें आंसर माइनस वन आ जाए फिर क्या है ए की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करने पे और बी की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करने पे आंसर 25 आना चाहिए दिमाग लगाओ कुछ 25 कैसे बना सकते हो किस चीज़ का स्क्वायर करोगे कौन कौन सी छोटी वैल्यू दिमाग लगाओ और क्वेश्चन पूछा है कि भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ तो भैया मुझे तो अभी एक ही से क्लिक हो गया कि भैया ए प्लस बी माइनस वन कैसे आता है और इसको देख के पच्चीस को देख के मैंने एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि थ्री माइनस फोर करने पर क्या आएगा माइनस वन ठीक है है ना तीन माइनस चार जाएगा तो माइनस वन बचेगा तो देखो जिस वैल्यू सेटिस्फाई होगी ए प्लस बी की और तीन का स्क्वायर देखो ए स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर नौ और चार का स्क्वायर क्या होता है सोलह तो सोलह प्लस नौ कितना होता है पच्चीस तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो गई भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो क्वेश्चन ये पूछा ए माइनस बी की वैल्यू बताओ तो भाई ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए की वैल्यू क्या रखी थी B ने थ्री और बी की क्या रखी थी दोस्तों अपन माइनस फोर ध्यान रखना है ना भूल मत जाना तो अब निकाल निकालो भैया ए की वैल्यू क्या थी तीन थ्री तीजा नाइन बी की क्या थी फोर फोर जो सिक्सटीन माइनस लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस बन जाएगा फोर थी जो ट्वेल्व ट्वेल्व टीजे ट्वेंटी फोर बस भैया अब इसको ऐड कर लो सोलह नौ पच्चीस पच्चीस सौ चौबीस कितना होता है दोस्तों फोर्टी नाइन होता है तो आंसर आया आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है इसको गलत मत करना दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ इसमें क्या होता है एलियवरा के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उनको याद कर लेना आप भले वो मतलब ऐसा होगा जैसे ए प्लस बी होल क्यूब का एक फार्मूला होगा जिसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस है ना बी क्यू प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं अगर किसी को अभी भी दिक्कत जाती है तो मुझे बोलिए मैं फॉर्मूले वाला वीडियो बना दूंगा लेकिन कोई बंदा बोले तो यार बोलता ही नहीं है कोई दिक्कत तो ये है मैं बहुत हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन कोई कमेंट ही नहीं करता है चलो छोड़ो लेकिन अभी के लिए क्या है बस इतना ध्यान रखिएगा कि वैल्यू पुट करने की कोशिश करिएगा अगर एकदम से नहीं आ रहा है तो फिर बात के लिए उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिएगा और अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है भैया कि मान लो लॉजिक नहीं पकड़ा है तो क्या करोगे फिर भैया तुमको लंबा खेल खेलना पड़ेगा इसका फॉर्मूला निकालना पूरा यूज़ करना पड़ेगा जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा मेरे भाई ध्यान से सुनना मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इसलिए अच्छे से देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्यर माइनस टू ए बी ये फॉर्मूला होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र की वैल्यू तो आपको पच्चीस यहाँ से मिल गई मेरे भाई लेकिन माइनस टू ए बी की वैल्यू क्या है अब ए की ए बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ठीक है तो ए बी की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे यहाँ से निकालोगे अब वो कैसे निकालोगे अब मैं आपको बताता हूँ देखो ध्यान रखना पच्चीस माइनस टू ए बी अब ए, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर करो भैया सबसे पहले और ये वन का स्क्वायर करो तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई पच्चीस प्लस टू ए बी बराबर वन तो ये पच्चीस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस चौबीस हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं और ये टू जब नीचे उतर के आएगा तो भैया कट जाएगा तो भैया टू ट्वेल्व या ट्वेंटी फोर तो माइनस ट्वेल्व आ गई काई की वैल्यू ए बी की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेल्व और अभी मैंने आपको क्या बताया था पच्चीस माइनस टू ए बी और ए बी की वैल्यू क्या है माइनस ट्वेल्व है तो माइनस और माइनस हो जाएगा पूरा प्लस ठीक है और ट्वेल्व जो ट्वेंटी फोर और पच्चीस और ट्वेंटी फोर कितना होता है फोर्टी नाइन इस तरीके से आपको करना पड़ेगा अगर आपको वो वाला हिट एंड ट्रायल समझ में नहीं आता है तो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखो और आपको सीखने को मिलेगा एक ऐसा क्वेश्चन आता है इसको भी मैं छोड़ना बड़ा सरल होता है ध्यान से देखिएगा अभी भयानक से दिख रहा है लेकिन बहुत सरल है इसमें भैया ए बी का रेशो दिया है बी सी का और और सी डी का दिया है और क्वेश्चन पूछा है भैया फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई e. इतनी मेहनत नहीं करनी अपने को शुरू के दो तीन निकाल लो इतने में खेल हो जाएगा जैसे इसका तरीका क्या होता है पहले ए रेशो बी है ना तो ए रेशो बी जो लिखा है उसका उसका रेशो लिख लो ए की जगह नीचे लिख लो थ्री और बी की जगह क्या लिख लो टू ठीक है अब बी जो बी सी जो लिखा है ना तो बी सी भी नीचे ही लिखाएगा इसके मतलब बी के नीचे बी लिखाएगा तो बी का रेशो क्या है टू है तो यहाँ भी लिख दो टू और सी इधर आएगा सी है ना तो सी का क्या लिखो वो वन अब देखो भाई मेन चीज यह ध्यान से देखना इस सी के नीचे खाली जगह है यहाँ है ना यहाँ जो खाली है तो इधर क्या करोगे टू को ही खिसका कर लिख दो ये ट्रिक होती है दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा और यहाँ भी कुछ जगह खाली है तो भैया ये वाले टू को इसका इधर रख दूँ मतलब जो लेफ्ट से राइट में खिसकेगा और ये वाला बीच में जो था वो राइट से लेफ्ट में खिसकेगा ये वाले मत उतार देना ऊपर से अब इसको भाई सॉल्व कर लो थ्री टू जे सिक्स टू टू जे फोर और टू वन जे टू अब इसको रेशो काटो टू वन जे टू टू टू, टू जे फोर टू थ्री जे सिक्स इस तरीके से कहीं कहीं का आंसर दिख रहा है क्या वन रेशो टू रेशो थ्री देखो भाई अब सीधा ही थर्ड वाला ही दिख रहा है पैंतीस से कम पैंतीस पैंतीस दोनों छत्तीस और पैंतीस दिया एक सौ पाँच तो ये रेशो दिख गया मतलब गारंटी हंड्रेड एंड टेन परसेंट आंसर यही होगा तो आप टिक लगाओ धूम मचा दो क्योंकि यहाँ आप करके देखो वन रेशो टू रेशो थ्री मिल रहा है कि सेवेंटी फाइव बन दे सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव दूनी तो और कुछ होना चाहिए है ना एक सौ पचास लेकिन यहाँ ही नहीं है तो बस खत्म इस तरीके से थर्टी टू या सिक्सटी होना चाहिए सेवेंटी फाइव दिख रहा है इसलिए ये वाला सेटिस्फाई करेगा यह सारे गलत हो गए ये होगा तरीका उसका एक बार फिर से बताऊँगा पहले ए रेशो बी उतार लो थ्री रेशो टू फिर बी रेशो सी उतार लो नीचे है ना बी इधर है ना ए इधर है बी इधर है तो बी के नीचे बी उतरेगा ना मेरे भाई तो फिर यहाँ टू उतार लो और सी की जगह क्या उतरेगा वन उतरेगा ये जगह खाली तो इसको टू कर दो ये जगह खाली तो इसको भी इधर टू फैला दो थ्री टू जे सिक्स टू टू जे फोर टू वन जे टू अब काट टू टू वन जे टू 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 जे फोर टू थ्री जो सिक्स तो वन रेशो टू रेशो थ्री चाहिए तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है बहुत सरल है जरूर अच्छे से करिएगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी देखिए दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू दी है वन माइनस वन अपन रूट थ्री और ये सारा का सारा डेटा दिया है इसको कैसे यूज़ करके अपन यहाँ आंसर पहुँचेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर बनते हैं तुरंत तो, तो कर दो वरना इनको छोड़ दो अगर दिक्कत जा रही है तो इनको चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करो फिर से को तो कॉस एक् को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों अपन मैं शॉर्ट में बताऊँगा धीरे धीरे वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटर लिख सकते हो माइनस सेक क्या लिख सकते हो वन अपॉइंट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसी तरीके से नीचे भी ये रहेगा वन अपॉइंट साइन स्क्वायर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं है ना प्लस वन अपॉइंट कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा ठीक है अब ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटर यहाँ जाएगा और यहाँ इन टू होकर लिखा जाएगा तो आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बस इतना ध्यान रखिएगा और ये आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे वरना टाइम लगेगा ठीक है नीचे ये एलसीएम था भैया इसी तरीके से साइन और कॉस का भी एलसीएम वही रहेगा तो ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा पूरा वन ठीक है और नीचे तो ये कट ही चुका है तो कुल मिला के ये बचा अपने पास बस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बचा एक बार लिख के बताता हूँ टू स्क्वायर थीटा माइनस वन अब मेरे भाई कॉस स्क्वायर थ्री की वैल्यू रखो और धूम मचा दो टू इन टू कॉस स्क्वायर थ्री बोले तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर होगा तो थ्री बचेगा माइनस वन ठीक है तो ये क्या होगा टू इन टू है तो टू बाय थ्री हो जाएगा ये तो टू बाय थ्री माइनस वन होगा तो थ्री इधर जाएगा तो थ्री माइनस टू क्या होगा माइनस वन बाय थ्री ये होगा दोस्तों आंसर समझ में आया अगर इस क्वेश्चन को एकदम से समझ में आ रहा है तो करिए वरना इसको छोड़ दीजिएगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि, क्योंकि कई बार क्या है अगर नहीं बनता तो क्वेश्चन में टाइम भी चला जाता है और आंसर भी नहीं आता है ओके तो इसको ध्यान से करिएगा बने तो नहीं छोड़ो ये बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है इससे डरने की बात नहीं है इसमें सीधा सीधा बोला है टेन परसेंट ऑफ एम इज सेम एज द ट्वेंटी परसेंट ऑफ एन ठीक है काट दो भैया जीरो से जीरो गया ये वन रेशो टू ये आ गया तो एम का रेशो टू एन का रेशो वन समझ में नहीं आया एक बार फिर से बताता हूँ टेन परसेंट ऑफ एम इक्वल्स टू इज सेम एज ट्वेंटी परसेंट ऑफ एन काट दो टेन वन ज टेन टेन टू ज ट्वेंटी परसेंट से परसेंट कट गया तो क्या है एन को भैया ले आओ नीचे तो एम के वैल्यू आ गई टू और ये वाला जो आ जाएगा यहाँ नीचे तो भैया ये हो गई एन के वैल्यू वन तो सिंपल सा रेशो पूछा एम रेशो एन का तो टू रेशो वन आंसर लगाओ धूम मचा दो बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन दिक्कत की बात नहीं है एक ऐसा गंदा क्वेश्चन गंदा सा क्वेश्चन भी आता भाई है भाई अपना ठीक है मैंशोरेशन का लेकिन सिंपल है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं एक बार ध्यान से सुनो पहले पढ़ो अगर बन रहा है तो ठीक है नहीं तो इसको भी छोड़ो क्योंकि ये भी टाइम ले लेता है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बहुत सिंपल इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात चल रही है हॉल की जिसमें इस फोर्थ बाय थ्री था टाइम्स था ऑफ इट ब्रेथ तो मतलब इसमें ये बोला है कि लेंथ इक्वल टू फोर बाय थ्री था टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ तो भैया क्या होगा ब्रेथ को अगर इधर अपन ने नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा लेंथ की वैल्यू आ गई फोर और ब्रेथ की आ गई थ्री समझ में आया अब इधर क्या बोला है एरिया ऑफ हॉल पूछा है है ना तीन सौ स्क्वायर मीटर है एंड वॉट इज वॉट इज द लेंथ बिटवीन क्या लिखा व्हाट इज हाँ व्हाट इज बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल अब इसमें पूछा भैया एरिया पूछा कुल मिला के तो अपनी लेंथ क्या थी लेंथ थी अपनी फोर एक्स और ब्रेथ क्या थी अपनी थ्री एक्स ठीक है इंटू थ्री एक्स क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है एरिया अपने कह दिया है तीन सौ दिया है मैंने दोस्तों एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि अपने को अभी बस इन्होंने रेशो दिया है अपने को लेंथ निकालनी है ब्रेथ का डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे फोर थ्री ज ट्वेल्व और यह एक्स स्क्र बराबर तीन सौ अब इसको काटो भैया ट्वेल्व बन जाए ट्वेल्व है ना ट्वेल्व टू जाए ट्वेंटी फोर छः बजे ट्वेल्ल फाइव जे सिक्सटी हो गया पच्चीस तो एक्स स्क्वेयेर की वैल्यू पच्चीस मतलब एक्स की वैल्यू फाइव ये आ गया उसका आंसर इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा सिंपल सा होता है बन जाएगा आपसे है ना दिक्कत की बात नहीं है और अगर दिक्कत जा रही है तो इसको छोड़ो भाई बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है सर सरल वो करो ये भैया हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्वेश्चन हर बार बार बनेगा भले ही वो दो हज़ार पच्चीस हज़ार या दो हज़ार पचास हज़ार तब भी ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है देखो भाई इसको कैसे करेंगे सबसे पहले देखो क्या देखा है एक्स माइनस वन वाई एक्स बराबर सात दिया है लेकिन यहाँ इस फोर में चल रही है एक्स की पावर फोर में चल रही है तो सबसे पहले अपन को एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा समझ में आ रहा है खुद ही समझ में आ जाएगा आपको तो स्क्वायर कैसे करोगे इसका तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायेयर माइनस दिया तो माइनस टू ए बी ए की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर है बी की वैल्यू वन वाई एक्स है तो टू ए बी में से ये सारा कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा है ना क्योंकि टू ए बी ना एक्स स्क्वायर इन टू वन बाय एक्स स्क्वायर कट गया ना ये कट गया कुछ नहीं बचा टू बचा बराबर सेवन का स्क्वायर इधर भी करना पड़ेगा अगर यहाँ आपने स्क्वायर किया है तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा तो सेवन का हो गया दोस्तों फोर्टी तो नाइन ठीक है ये माइनस का टू था उस साइड आएगा तो प्लस का टू हो जाएगा तो फिफ्टी वन आ जाएगा तो कुल मिला के बात इतनी सी आ गई कि एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी फिफ्टी वन सेवन में आया अब फिर से आपको इस फोर में चाहिए है ना तो एक बार फिर स्क्वायर करना पड़ेगा तो एक बार फिर स्क्वायर कर दो मेरे भाई ये कर दिया आपने स्क्वायर तो अब क्या बनेगा x की पावर फोर प्लस वन बाय एक्स की पावर फोर प्लस टू ए बी तो टू ए बी में फिर ये कटे जाएगा टू ए बी में कुछ नहीं बचेगा तो प्लस टू बराबर फिफ्टी वन का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों ये होता है निकाल के देखो अच्छे से देखो फिफ्टी वन इंटू फिफ्टी वन कैसे निकालेंगे फटाफट निकालो वन 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 जा वन वन, वन, वन फाइव जा फाइव और ये काटा फाइव वन जा फाइव और फाइव फाइव जे ट्वेंटी फाइव ठीक है निकालो वन पाँच और पाँच दस एक कैरी पाँच और एक छः और टू सिक्स जीरो वन इसका आंसर है और भैया ये, ये वाला देखो ये था 15 का स्क्वायर आया टू सिक्स जीरो वन इसमें जब टू माइनस वन टू टू माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा टू फाइव नाइन नाइन ये देखो ये आंसर है समझ में आया टू सिक्स जीरो वन में से जब दो जाएगा तो टू फाइव नाइन नाइन इसका आंसर आ जाएगा मुझे बस इसको अप्रोच बताना था ताकि आप समझ पाएँ कि भैया इसको कैसे हैंडल करना इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर आता है तो भैया एक बार आप स्क्वायर करना पूरा सॉल्व करना फिर एक बार फिर स्क्वायर कर देना तब एक्स की पावर फोर प्लस वन वाई एक्स की पावर फोर की वैल्यू आ जाएगी इजीली तो ये क्वेश्चन छोड़ मत देना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको गलत मत करना वरना नंबर कम हो जाएंगे यार है ना बस यही बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं है इस वीडियो की हेल्प से और क्या भाई देखो हाँ ये देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत शानदार है ये अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले से क्वेश्चन है इसको एक बार पढ़ो मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा और आपको एक ही बार में आंसर आ जाएगा देखो राधिका नाम की एक लड़की है जो ट्रैवल करती है फ्रॉम होम टू तो टैंपल बाय कार विद एन एवरेज स्पीड ऑफ पैंतालीस किलोमीटर पर आवर एंड शी इज़ लेट बाय पच्चीस मिनट अगर वो पैंतालीस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है तो पच्चीस मिनट लेट हो जाती है लेकिन जब वो पचपन किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो सात मिनट पहले पहुंच जाती है अर्लियर है ना अगर जब वो पचपन किलोमीटर की स्पीड से जाती है बढ़ा के स्पीड तो सात मिनट पहले पहुंच जाती है तो भैया बताओ फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम राधिकाज होम राधिका के होम से टेम्पल का डिस्टेंस क्या है बहुत ही सिंपल है इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना जिसमें ध्यान से सुनो बिल्कुल ध्यान से आँखें यहीं होनी चाहिए जब स्पीड दी हो एक एक स्पीड दी हो जिसकी वजह से कोई लेट हो रहा है फिर एक स्पीड दी हो जिसकी वजह से कोई टाइम पे पहुंच रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है बहुत ही शानदार इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी एस वन इंटू एस टू और एस वन डिफरेंस एस टू बस इतना ध्यान रखना आपको तो एक याद कर लो एस इसलिए लिखा क्योंकि स्पीड की बात चल रही है डेल्टा टी का मतलब क्या होता है ध्यान से सुन लो मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है इस तरीके क्वेश्चन में अगर एक बार कोई लेट हो रहा है तो उसका लिख लो पच्चीस है ना और एक एक बंदा कोई मतलब स्पीड बढ़ाने पर बंदा टाइम पर पहुंच रहा है तो उसको कर लो प्लस क्योंकि क्या होता है मैंने एक ये ट्रिक सुन लो अगर कोई लेट और दोनों बार लेट हो रहा है ना तो माइनस रहेगा दोनों बार कोई अर्लियर पहुंच रहा है तब भी माइनस रहेगा लेकिन एक बंद एक बार कोई लेट हो रहा है एक बार कोई टाइम पर पहुँच रहा है तो उनकी प्लस हो जाएंगी उनकी वैल्यू समझ में एक बंदा अर्ली पहुंच गया एक बंदा लेट पहुंच गया तो दोनों की प्लस हो जाएगी या फिर एक बंदा पहले अर्ली पहुंच गया बाद में लेट हो गया तब भी प्लस हो जाएगी जो अपोजिट वाले चल रहे हैं उनमें प्लस होगी और सेम अगर लेट ही लेट रहेगा तो माइनस होगा अर्ली अर्ली रहेगा तब भी माइनस होगा बस इतना ध्यान रखना है मेरे भाई बस अब देखो भाई अभी क्या चल रहा था यहाँ लेट हो गई पच्चीस मिनट से भैया लड़की तो पच्चीस लिख लो और यहाँ टाइम पर पहुँच गई तो भैया प्लस सेवन कर लो तो पच्चीस सौ सात कितना हो गया दोस्तों बत्तीस समझ में आया और जो डेल्टा टी मैंने लिखा था ना वो यही है भैया अपना टाइम का खेल क्यों मिनट की बात चल रही है ना अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको आंसर क्वेश्चन पहले डेल्टा टी एस वन क्रॉस एस टू और एस वन डिफरेंस एस टू तो डेल्टा टी की जगह लिखोगे आप क्या लिखोगे दोस्तों बत्तीस जो कि अभी, अभी आपका आंसर आया है? है ना और देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा का सारा किलोमीटर पर आर में दिया है और आंसर भी किलोमीटर में लिखा है और अपना यह क्या मिनट में चल रहा था यह सात मिनट और पच्चीस मिनट तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय सिक्सटी भी करना पड़ेगा मतलब डेल्टा टी के अंदर नीचे सिक्सटी भी करना पड़ेगा इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा छोटी सी बात है बस धूम मचा दोगे आप अब देखो एस वन की वैल्यू लिखो भैया पैंतालीस इंटू पैंतालीस इंटू पचपन है ना और और डिफरेंस क्या है एस वन माइनस एस टू बोले तो पचपन में पैंतालीस का सीधा दस अब इसको पूरा काट पीट के बराबर कर दो भैया जैसे फाइव टू 10, टेन फाइव नाइन जे फोर्टी फाइव टू वन टू और टू सिक्सटीन 32, थर्टी टू और फोर फोर जै सिक्सटीन और फिफ्टीन वो 60, सिक्सटी और फिफ्टी और फिर काट पीट के यहाँ फाइव थ्री जै फिफ्टीन फाइव सेवन ऐसे थर्टी फाइव ऐसा ऐसा आंसर आपका आएगा वन थर्टी टू बस एक बार फिर से बताता हूँ बस फार्मूला याद रख लो डेल्टा टी एस वन क्रॉस एस टू और एस वन डिफ्रेंस एस टू डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी अगर एक लेट है एक अर्ली है तो प्लस कर दो ना तो पच्चीस और सात बत्तीस है ना तो बत्तीस अपॉन साठ क्योंकि अपन को किलोमीटर में चाहिए अभी ये मिनट में चल रहा था ये इसलिए अपन को सिक्सटी से डिवाइड करना पड़ा इन टू एस वन एस टू बोले तो वही पचपन इन टू पैंतालीस और पचपन माइनस पैंतालीस बोले तो दस और काटपीट का आंसर आ जाएगा एक सौ बत्तीस किलोमीटर पर आर बस तो ये आपका आंसर था और ये ज़रूर आएगा दोस्तों और आप इसको सॉल्व करिएगा मैं चाहता हूँ कि मतलब आपका नंबर बिल्कुल ना कटे है ना इसलिए ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को और क्या भाई लास्ट में ये भी बड़ा सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है इसमें क्या है भैया एंगल ए सी बी इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी इतना और ए सी रेशो बी सी इतना इतना है और भैया एरिया निकालना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है देखो क्या करना है इसमें सबसे पहले देखो इधर क्या बोला है सेमी सर्कल तो सर्कल अपना दोस्तों ऐसा पूरा बड़ा बनता है ठीक है और सेमी सर्कल कर दो तो आधा काट दो तो क्या होगा सेमी सर्कल बनेगा अपना बढ़िया सा प्यारा सा ऐसा ठीक है ये बन गया अब बोल रहे हैं ए सी बी एक एंगल है जिसमें सेमी सर्कल है ए बी डायमीटर है तो ए और बी डायमीटर ऑब्वियसली डायमीटर सबसे बड़ा होगा तो अपना ये है पाँच अब देखो और क्या बोल रहे ए सी रेसो बे सी तो ए सी यहाँ होगा पक्का ए सी रेसो बी सी तो ये कितना है थ्री रेसो फोर तो ए सी अपना है ये दर सी बना दे रहा हूँ मैं थ्री और ये फोर अब दोस्तों मेन चीज़ ये है ध्यान रखने वाली बात कि डायमीटर से डायमीटर के पॉइंट से अगर कोई अपनी वो लाइन अपन खींचेंगे है ना सामने वाले उसके सरकम फेरेंस पे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये अंडरस्टूड रखने वाली बात है और यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है डायमीटर से जो भी लाइन निकलेगी अपने आगे वाले सरकम फेरेंस जो टच होगी वो नाइन्टी डिग्री की होगी तो भैया ये 90 डिग्री का जैसा ही हुआ ये बन जाएगा अपना ट्रिपलेट तीन चार पाँच का है ना तीन चार पाँच का ट्रिपलेट बन जाएगा तो खेल वहीं हो गया समाप्त अपना कि ये सेटिस्फाई हो गई वैल्यू अब पूछा एरिया तो एरिया क्या होता है दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ अपना तो ठीक है हाफ बेस क्या अपना ये थ्री और हाइट क्या अपनी फोर तो टू टू जो फोर तो थ्री टू जो सिक्स आंसर सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर समझ में आया बहुत सिंपल था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें सेमी सर्कल है तीन चार पाँच का ट्रिपलेट बनेगा काटपीठ का आंसर सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसको गलत मत करना है ना स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ एक ये वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन हमेशा आता और आएगा मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग छोड़ते हैं और बहुत सिंपल होता है ये इसमें देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन भय बहुत शानदार देखो क्या लिखा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस सेवनटीन सेंटीमीटर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ थर्टी सेंटीमीटर एंड सिक्सटी सेंटीमीटर आर ड्रॉन इफ बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इधर क्या बोला इफ बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर बस यही पूरा ट्विस्ट है भाई इस क्वेश्चन का अगर समझ में आ गया तो आप धूम मचा दोगे सबसे पहले तो एक बड़ा बहुत शानदार सा सर्कल बना लो मेरे भाई सेंटर बना लो अपना ये इधर बीच में कह रहा है इफ़ बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर तो भैया ये अपना सेंटर है सेम साइड पे दो कॉर्ड हैं एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है ठीक है अब क्या बोल रहा है एक है तीस की एक है सोलह की इसको छोड़ो सर्कल की रेडियस का सेवनटीन तो रेडियस कहां से अपने पॉइंट से देखेंगे तो भैया इधर इसको जाएंगे तो ये भी अपनी रेडियस रहेगी और ये करेंगे यहाँ तो ये भी रेडियस रहेगी तो ये भी सेवनटीन रहेगी और ये भी सेवनटीन रहेगी रेडियस अब ये पॉइंट से भैया सीधी अपना परपेंडिकुलर डाल दो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने, को निकालना distance, तो अपने इसी तरीके से निकालेंगे अब यहां बोला था कि भैया एक कॉर्ड की लेंथ है तीस और एक की है सोलह अब मेन चीज यह है कि जब अपने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो अपनी कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है इक्वल इक्वल तो जब तीस का ये है ना तीस की लेंथ है तो ये हो जाएगी दोस्तों पंद्रह की लेंथ ये वाली ठीक है और ये सोलह जो है सोलह जो है ये हो जाएगी आठ समझ में आया क्योंकि ये पूरी सोलह है तो इसकी हाफ कितनी होगी आठ अब अपन को ये दोनों ये कॉर्डन है इसका डिस्टेंस निकाला मेरे भाई कैसे निकालोगे एक ट्रिपलेट होता है ये भी क्या होता है मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये हाइप्रोटेनिस्ट पर सत्रह है तो एक होता है आठ पंद्रह और सत्रह का एक ट्रिपलेट होता है जो कि मैंने आप ये बता दिया आपको ठीक तो ये आ गया अपनी वैल्यू आठ अभी मैं बताऊंगा आपको ट्रिपलेट भी याद करवा दूंगा ये आ गई आठ अब इसी तरीके से ये फिर सत्रह दी है भैया ये ये वाला ट्रैंगल लेंगे अपन ये बड़ा वाले ये ये वाला जो मैं अच्छे से डार्क कर रहा हूँ मैं सत्रह यहाँ के आठ यहाँ आठ पंद्रह सत्रह चल रहा है तो यहाँ भी एक पंद्रह जाएगा आठ पंद्रह सत्रह ये वाले ट्रैंगल के लिए ये ये बड़े वाले ये ये चल रहा है तो आठ पंद्रह सत्रह अब बस सिंपल सी बात ये पूछी उन्हें भैया डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड तो भैया ये पूरा है पंद्रह और ये छोटा सा है आठ तो भैया पंद्रह में से साठ जाएंगे तो डिस्टेंस क्या निकलेगी सात निकलेगी कि नहीं एक बार फिर से पूरी पंद्रह है पंद्रह में से ये आठ इतनी चली जाएगी तो कितनी बचेगी साथ ही तो बचेगी यहाँ यहाँ तो सात इसका आंसर आ जाएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसको दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ इसके लिए आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे तो ध्यान से सुन लो और कॉपी वॉपी लेके जाओ पेन में ले कर जाओ लिख लो ट्रिपलेट सीधे सीधे आएंगे तीन चार पाँच ये होता है पाँच बारह तेरह सात चौबीस पच्चीस आठ पंद्रह सत्रह देखो आठ पंद्रह सत्रह वाला ये यूज़ किया ना मैंने साफ साफ दिख सकता है क्योंकि ये देखो ये जो लास्ट वाला ना तीन चार पाँच पाँच बारह तेरह सात चौबीस पच्चीस ये हाइपोटेनस आता है हमेशा हाई प्रोटेनस रहेगा ये बड़ा वाला ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा और फिर क्या है नौ चालीस इकतालीस सोलह तिरसठ पैंसठ ये आते हैं मान लो कहीं अगर पैंसठ वैंसठ दिख गए ना कहीं सोलह पैंसठ को ही दिखाना आँख तिरसठ मार दो गारंटी है आंसर आएगा आपका कहीं पच्चीस दिखाना तो सीधा सात चौबीस का त्रेपलेट ही बनेगा तो अंडरस्टूड रहता है ईजिल आप सॉल्व कर पाएंगे इसको समझ में आया तो इनको ट्रिपलेट को याद रखिएगा तीन चार पाँच पाँच बारह तेरह सात चौबीस पच्चीस आठ पंद्रह सत्रह नौ चालीस इकतालीस सोलह सोलह तिरसठ पैंसठ इतना तो आप याद रखो मेरे भाई ठीक है भाई एक होता है बारह सोलह बीस का बारह सोलह है ना और बीस का तो ये भी याद रखिएगा बहुत सिंपल सा है तीन चार पाँच का तो पता ही आपको बस इतनी सी बात थी एक होता है लास्ट का छः आठ दस का भी होता है ट्रिपलेट वो भी याद रखिएगा है ना ये अगर एक बार आपने याद कर लिया ना इस तरीके क्वेश्चन में आप धूम मचा देंगे गारंटी मेरे भाई और क्या भाई देखो खत्म हो गया वीडियो इतना ही बताना था थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों और प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर अगर भैया लगता है कि वैल्यू वे, सही लगा मतलब वीडियो सही था वैल्यू मिली है तो कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो चाहिए जिसमें आपकी हेल्प हो सके तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके कहने पे और भैया एक बंदे को शेयर कर दें मेरे दोस्तों क्योंकि आपके शेयर के बिना हमारे चैनल का कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी आपका अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें नया चैनल है हमारा लेकिन कंटेंट वर्ल्ड क्लास है यह बात तो आप भी समझ गए होंगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने बेस्ट फ्रेंड को क्लोज़ को जिसकी आप ग्रोथ देखना चाहते हैं और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को क्योंकि शानदार शानदार वीडियो मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स और कुछ अच्छे एनालिसिस मिलते हैं इसके अलावा हमने जी के में साढ़े तीन सौ से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स तो एक बार जाके देखिए आई चैलेंज यू विद ड्यू रिस्पेक्ट दोस्तों आपको सारे के सारे वीडियो पसंद आएंगे भले वो नेशनल पार्क हो भले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो भले वो अपने मेटल्स एंड ओर्स हो भले इंस्ट्रूमेंट्स हो भले डिसीजेस हो भले ही बाउंड्री लाइन्स हो कुछ भी हो सब याद हो जाएगा आपको तो ट्रस्ट मी दोस्तों डिस्क्रिप्शन देखो मैंने बनाया है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डली हुई सारी की सारी जाकर देख लीजिएगा आप हो जाएंगे एकदम फैन ओके चलो थैंक यू सो मच दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके कमेंट करके अपनी बात रख देना तब तब जाकर मैं समझ पाऊंगा कि भैया आप क्या चाहते हो ठीक है तो थैंक यू सो मच नेवर एवर गिव अप बी कंसिस्टेंट टू वेड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर और पाँच से छः घंटे हर दिन पढ़ो और धूम मचा दो मेरा भाई एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है बस इतनी सी बात है